बड़ी चालाकी से बीजेपी ने नुपुर के बयान के एक सप्ताह बाद एक दल को और कुछ संगठन का इस्तेमाल कर, मैं मांग करता हूं नीतीश जी से और अन स्टेट के मुख्यमंत्री से, कौन कब से हिला है, चाहे वो कोई ऐसा संगठन जो इस्लाम या मुस्लिम के चीजों का इस्तेमाल करता हो, चाहे कोई हिंदू संगठन, इस पर अविलंब प्रतिबंध लगनी चाहिए, इसको बैन करिए। जिसे सनातनी विचारों पर और इस्लाम के विचारों पर, नबी के उस प्रेम पर सवाल खड़ा हो, उसको आजीवन किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रतिबंध कर देना चाहिए। और हम मांग करते हैं चाहे कोई भी हो, इसकी पूरी जांच हो, और कोई व्यक्ति जो हिंसा फैलाने का काम कर रहा हो व्यक्तिगत तौर पर भी, उसे भारत की सारी सुविधाएं संविधान के मुताबिक उसको कंप्लीट रूप अलग कर लेना चाहिए। मैं पूरे भारत के मुस्लिम बौद्धिक सौहार्द और भारत के लिए हमेशा कुर्बानी देने वाले सेकुलर और इस्लाम को मानने वाले उन मुसलमान भाइयों से और सनातन को मानने वाले उस हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर क्रमबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर इसे रोकें। जो लोग आज सड़कों पर हैं वो नबी को मानने वाले लोगों में से नहीं है। वो इस्लाम के दुश्मन है। वो हजरत हुसैन की कुर्बानी के इतिहास को नहीं जानते। वो हदीस के पन्नों को नहीं पढ़े। ऐसे लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्लीज, जब 140 करोड़ लोग भारत रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, ईएमआई के सवाल पर, अर्थ के सवाल पर जब सरकार के खिलाफ खड़ी है और सवाल कर रही है कि क्या हुआ कश्मीरी पंडितों का, क्या हुआ रोजगार का, तब वो आसानी से AIMM का इस्तेमाल कर लिया। मैं ओबीसी साहब से आग्रह करूंगा, आप बड़े नेता हो सकते हैं, आपकी फितरत है दोनों की धर्म की राजनीति करना और इससे दोनों को बेनिफिट पहुंचता है। आप दोनों की सियासत धर्म और मजहब की है, आप दोनों की सियासत नफरत की है, आप दोनों की सियासत हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ, आप दोनों की सियासत इस्लाम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, राम और रहीम के खिलाफ है, शिव और नबी के खिलाफ है, कृष्ण और हजरत के खिलाफ है, गीता और हदीस के खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं आग्रह करूंगा, 5 दफे नमाज पढ़ने वाले उन नमाजी भाइयों से
आपको खुलकर आवाज देनी चाहिए, क्योंकि नबी और कोई भगवान कभी नहीं कहता हमें कोई जाहिल या जुल्मी गाली दे और तुम मेरे सवालों पर इंसानियत का कत्ल करो तो तुम सबसे बड़े दुश्मन, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आग्रह हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज, दुनिया को पता है कि कुछ पार्टी कुछ नेता इस कंट्री में हैं जो जाति के नफरत के आधार पर उसकी पार्टी चलती है और धर्म और मजहब के आधार पर, लगभग क्षेत्रीय पार्टी या तो भाषा के नाम पर या तो जाति के नाम पर या तो लिंग के नाम पर या तो क्षेत्र के नाम पर नफरत पैदा करती है। इसीलिए हमें मिलकर नूपुर जैसे किसी भी इंसान के खिलाफ खड़े होने की आवाज देने की जरूरत है जो इस कंट्री के सेकुलर तहजीब को, हमारी संस्कृति और तहजीब को, हमारे गीता कुरान बाइबिल के प्रेम के उस भावनाओं के खिलाफ है, उसके खिलाफ हमें खड़े होने की जरूरत। तो माना जाए कि साफ तौर से साजिश किया हुआ है। सर पूरी साजिश, पूरी साजिश। इतने दिनों के बाद नबी का बयान, नूपुर का बयान कब, और घटना कल से, और वो भी सबसे ज्यादा AIMM के नेताओं के द्वारा मंचों पर चिल्ला चिल्ला करके कहना, और कुछ जिन्हें इस्लाम से जिन्हें नबी से कोई मतलब नहीं, जिन्हें हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं, राम से शिव से कृष्ण से बुद्ध से न मतलब नहीं, वो लोग पोस्ट वायरल करके, जो आज भारत का सबसे बड़ा सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई, EMI, बिजली, सबसे बड़ा सवाल है कश्मीरी पंडित, उसको डाइवर्ट करने के लिए इन मुद्दों को चैनल पर चलते रहने के लिए मुद्दा बनाया। इससे फायदा किसको होने जा रहा है भैया? मैंने पहले कहा ऐसे चीजों से या तो BJP जैसी पार्टी अपनी राजनीति उल्लू सीधा करती है या AIM जैसी कोई भी ऐसा पार्टी, मैंने पहले कहा जाति के नाम का इस्तेमाल कर क्षेत्रीय पार्टी ऐसे कुकर्मों को जन्म देती है, और अब पार्टी का समाज में इस्तेमाल करती है। उसी तरह ऐसी चीजों से फायदा सिर्फ सियासतदारों को होती है, और इसमें हिंसा पैदा करने वाले लोग कभी भगवान के, अल्लाह के, नबी के मददगार नहीं हो सकते और उसके राह पर चलने वाले नहीं हो सकते। मैं हाँ फिर पैर पकड़ के माफी मांगते हुए मैं आग्रह करूंगा जो सभी धर्मों के जो सेकुलर लोग हैं उनसे आगे आकर ऐसे बयानों का निंदा करना चाहिए और बयान के बाद ऐसे हिंसा की भी निंदा करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव का जन्म